कि आने वाले 25 तारीख को लाहौर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत भारी मतदान करने जा रही है। आप सभी एक जय महंत राजा निर्मल नाथ जी महाराज मंच पर और इस सभा में उपस्थित सभी पूज्य संतजन भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित जी को योजनाओं से वंचित करती थी, देर कारण भारत के सभी लोग योग दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तब कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने तो एक बात कही कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास का परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं थे, उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला। 4 करोड़ गरीबों के पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, उनको एक एक प्रधानमंत्री आवास मिला। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिले, 4 करोड़ गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की प्रतिवर्ष की योजना मिली, तो कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिला है। यही है सबका साथ और सबके विकास का कार्य। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देश के अंदर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया है आपके फिर राजस्थान को? भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा हर योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत और आपस में ही नूरा कुश्ती हो रही है, आपस में ही सरकार में ही नूरा कुश्ती चल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, सामान्य नागरिकों को नहीं मिल पाता है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम आह्वान करने के लिए आए हैं, थोड़ा तुलना करिए, जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह सरकार गरीबों के लिए कार्य कर रही थी, किसानों के लिए कार्य कर रही थी, यहां पे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का कार्य कर रही थी, लेकिन जैसे ही पिछली बार वो सरकार फिर से बनने में वंचित रही, कांग्रेस ने 5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार के कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर दिए। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का भी तो सम्मान नहीं कर सकती। याद करिए, दिल्ली तो नहीं जाओगे, दिल्ली नहीं जाने, घरे बेटा वोट देने वाले अपना मत। श्री श्री 1008 बैंक श्री संतोष भारती जी हो गया काम।